नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार लरमेश में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। IBACIO ग्रेड 2 2020 के सॉल्यूशन सीरीज में आज हम एवरेज का डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में 2020 के इस एग्ज़ाम में एवरेज के जितने भी क्वेश्चन आए थे उसका हम सॉल्यूशन करेंगे और ये सॉल्यूशन एग्जाम ओरिएंटेड होगा। कहने का मतलब, अगर आप इसका यूज करके एग्जाम में सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन बेहद ही आसानी से और कम समय में कर पाएंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि एक बुक शॉप में एवरेज नंबर ऑफ बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स बुक्स कितना है? 360। बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का एवरेज कितना है? 360। एवरेज का मतलब क्या होता है कि तीनों को जोड़ के फिर तीन से हमने डिवाइड कर दिया। इसके बाद है बायोलॉजी का जो बुक्स है ना, यह कितना है? 180 ज्यादा है एवरेज नंबर ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के एवरेज से 180 ज्यादा है। बाद में क्या है इसका? फिर है आपका कि नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स, फिजिक्स का जो किताब है वो 180 लेस है एवरेज नंबर ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री से। बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के एवरेज से 180 कम है। तो हमें बताना है व्हाट इज द नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स इन द शॉप। तो हमें केमिस्ट्री बुक बताना है टोटल कितना हो। आइए देख लेते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो कितना हो जाएगा? दो बायोलॉजी का वैल्यू होगा केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स प्लस 360। यहां से अगर आप देखेंगे तो दो फिजिक्स का वैल्यू हो जाएगा बायोलॉजी जोड़ केमिस्ट्री -160। हो गया ना? इसको अगर हम ऐड करेंगे तो दो फिजिक्स प्लस बायोलॉजी का वैल्यू केमिस्ट्री 2 बार प्लस फिजिक्स प्लस बायोलॉजी, क्योंकि आपका 360 360 कैंसिल हो जाएगा, फिजिक्स प्लस बायोलॉजी तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, तो फिजिक्स प्लस बायोलॉजी का वैल्यू 2 टाइम्स केमिस्ट्री आ रहा है। अभी ये जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, फिजिक्स एंड बायोलॉजी का वैल्यू 2 टाइम्स केमिस्ट्री पुट करेंगे, प्लस केमिस्ट्री बाई 3 कितना है? 360। यहाँ से केमिस्ट्री का वैल्यू कितना हो गया? 360। मतलब स्टोर में केमिस्ट्री के 360 बुक ही है। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है। ऑप्शन नंबर है बी। हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि हमें एवरेज निकालना है और ये नंबर दिया है, एक है 132, 146, 218, 232 और 321, फिर आपका क्या है? 223। देखिए यहाँ जो एवरेज निकालना है ना इसका, अगर आप डेविएशन भी लेके चलेंगे तो जो नंबर से वो दूर दूर है, दूर दूर होने से क्या होगा कि डेविएशन में कुछ खास फायदा होगा नहीं, तो हम डायरेक्टली ऐड करके डिवाइड कर सकते हैं। टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 ऐड कीजिए, 8 16 18 19 और 3 22, फिर 5 4 9 10 13 15 2 17 2 3 5 7 10 और 2 12, 1272 आ गया, जिसको क्या बोल सकते हैं, 212 आ गया। तो 212 सही आंसर है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तो आप ऐसे कर सकते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं, बस ऐड करके डिवाइड करना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स। तो फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स क्या क्या होगा? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा। कितना हो गया? 2 4 6 8, एक और 23। इसको 9 से डिवाइड करना है, ऐड कर लेते हैं ना, 5 10 17 28 41 58, 58 और 19 कितना हो जाएगा? 77 और 23 110। 77 और 23 कितना हो गया? 100 ना, 100 को 9 से भाग दे देंगे तो 100/9 आ रहा है, जिसको आप 11.1111 बोल सकते हैं। यही सही आंसर है और है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि टोटल 6 पर्सन है जो जाते हैं होटल फॉर टेकिंग मील, मतलब होटल में खाना खाने जाते हैं, उसमें से 5 लोगों ने 15 15 रुपये दिए हैं और जो छठा पर्सन है वो 8 रुपये ज़्यादा दिया है एवरेज। तो हमें बताना है टोटल पैसे कितने खर्च हुए थे। तो जो 5 लोग हैं इसने कितने कितने दिए? 15 रुपये दिए। जो 6th इंसान है वो एवरेज से, तो मान लिया कि, माना कि एवरेज जो है आपका क्या ये हो गया, तो एवरेज से कितने रुपये ज़्यादा दिए? 8 रुपये ज़्यादा दिए। अच्छा एक बात बताइए, एवरेज से 8 रुपये ज़्यादा दिया, ये 8 रुपये किस काम में आएगा? बोलेंगे कि बाकी जो 5 लोग हैं ना उनका जो एवरेज है वो बढ़ा कर ए तक ले जाने में काम आ जाए, ठीक है, क्योंकि ए पूरे ग्रुप का एवरेज है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए का जो वैल्यू है वो कैसे आएगा, बाकी 5 लोग तो 15 15 करके दिए थे, बोले की बात तो सही है, लेकिन ये 8 रुपये जो है ना इसको बाकी के 5 लोगों में
डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जब ये 8 को हम बाकी के 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 15 से बढ़ के जो आया यही एवरेज हो जाएगा। अभी एवरेज का वैल्यू कितना हो गया, 15 पर से 75 और 8 83/5, ये तो हो गया एवरेज। हमें क्या बताना है कि टोटल खर्चा कितना हुआ, टोटल तो एवरेज हो गया है 83/5, लोग कितने हैं 6, तो टोटल खर्चा हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 76 18 और 48 और 1 49 बट्टा 5, तो कितना आ जाएगा 15 45 4 15 45 और फिर कितना आ जाएगा 3 5 6 30, सो 99.6 टोटल खर्चा होगा। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं चीज़ आपको समझ में आई होगी कि अगर छठे के पास एवरेज से 8 ज़्यादा है तो जब आप डेविएशन का यूज करेंगे तो क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा होता है एवरेज से वो बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो छठा का एवरेज ए के बराबर तो हो ही गया, इससे ज़्यादा 8 है, 8 को किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बाकी के 5 लोगों में, 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आ गया। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो जो नॉर्मल मेथड होता है ना टोटल सम निकाल के करना, वो भी आप कर सकते हैं। तो जो मेथड अच्छा लगे उससे कीजिए, कोई समस्या नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि एवरेज ऑफ 8 स्टूडेंट कितना है, 15। 8 स्टूडेंट का एवरेज है 15 ईयर्स। फिर है दो मोर स्टूडेंट आया है, तो एक स्टूडेंट आया है इसका एज जो है वो 20 ईयर है, दूसरा जो आया है लेकिन इसका एज क्या है 10 ईयर। हमें बताना है ग्रुप का एवरेज क्या होगा, तो चेंज होगा ही नहीं, चेंज नहीं होगा। आपको लगेगा क्यों नहीं होगा, देखिए हमें समझना है कि अगर किसी ग्रुप का एवरेज मान लीजिए 15 है, तो अगर कोई अकेला बंदा 15 ईयर लेके आ रहा है तो उसके कारण ग्रुप में कोई चेंज नहीं होगा। दो बंदे आ रहे हैं एंड दोनों का एवरेज 15 साल है तो भी चेंज नहीं होगा। 15 से ज़्यादा हुआ तो ग्रुप का एवरेज बढ़ जाएगा, 15 से कम हुआ तो ग्रुप का एवरेज कम जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड का एवरेज निकाल के देखिए कितना आ रहा है, 20 और 10/2, ये 15 आ रहा है। क्या 15 वही है जो ग्रुप का एवरेज है, बोलेंगे कि हाँ, इसका मतलब ओवरऑल एवरेज चेंज होगा ही नहीं। ठीक, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 में है आपका कि एवरेज ऑफ 7 पीपल जो है वही इंक्रीज कर जाता है 5 kg से जब एक नया इंसान पुराने इंसान के जगह पे आता है। When a new person comes in the place of one of them weighing इतना, then weight of new person क्या है। देखिए 7 लोग ग्रुप में हैं, इनका कुछ एवरेज था, मान लेते हैं ए था, इसमें से एक इंसान चला गया लेकिन एक इंसान आया, इसके जगह पे आया, अब ग्रुप का एवरेज जो है वो 5 kg से बढ़ गया, यही दिया ना 5 kg से बढ़ गया, बोले कि हाँ ठीक है। जो जाने वाला इंसान है इसका वजन कितना था, 55 kg, 55 kg था, तो हमें बताना है जो इंसान आया है इसका वजन कितना हो। अब खुद देखो, अगर इसका वजन भी 55 kg ही होता तब तो कोई चेंज ही नहीं होता, क्योंकि जितना आया है उतना ही, जितना जा रहा है उतना ही आया, तो टोटल सम में चेंजेस नहीं होगा तो एवरेज भी चेंज नहीं होगा। लेकिन इसके आने से क्या हुआ है, ग्रुप का एवरेज 5 से बढ़ गया है। ग्रुप में टोटल कितने लोग हैं, बोलेंगे कि देखो ग्रुप में तो टोटल 7 लोग हैं, अगर एवरेज 5 से बढ़ा है तो हर एक इंसान का वेट 5 से बढ़ा है, मतलब 7 5 35 बढ़ गए। अभी ये 55 है, इसमें 35 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 90, मतलब आने वाला इंसान जो है उसका वजन कितना है, 90 kg। और सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आप इस टाइप से क्वेश्चन करते हैं तो कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, बहुत जल्दी कर लेंगे कि जो जा रहा है उसका वजन कितना है, उसके बराबर अगर आ रहा है तो दिक्कत ही नहीं है। अगर ग्रुप का बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए ऐड करना पड़ेगा। हर एक ग्रुप का एवरेज 5 से बढ़ा है, मतलब हर एक इंसान का वजन 5 kg से बढ़ा है, ग्रुप में टोटल 7 इंसान थे, टोटल वजन 35 से बढ़ेगा, और 35 बढ़ाएगा कौन, वही जो आ रहा है, क्योंकि और तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें बोला है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर होता है आपका n+1/2, तो यहाँ से आ जाएगा 50+1/2 जो कि हो गया 25.5, और सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। और ये ध्यान में रखना है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर अगर कभी भी चाहिए नेचुरल नंबर्स, तो ये होता है आपका n+1/2, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर जो होगा ये कितना हो जाएगा n, एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट n
इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर ए कितना हो जाता है आपका एन प्लस वन। आप एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे फर्स्ट दो इवन का, तो 2 प्लस 4 बाई 6 दो कितना हो गया 3। हमने कितना का निकाला है फर्स्ट दो नेचुरल इवन नेचुरल नंबर, तो आंसर 3 आया है। फर्स्ट 3 का निकालेंगे आंसर 4 आएगा, फर्स्ट 4 का निकालेंगे आंसर 5 आएगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये आप याद रख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। ठीक, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 में है आपका कि मार्क ऑफ 5 स्टूडेंट्स जो दिया हुआ है हमें एवरेज निकालना है। इतना कितना है, एक है 25, एक है 35, एक है 45, एक है 50 और एक है 15। देखिए एवरेज निकालना है, इसमें डेविएशन निकालने की कोई ज़रूरत होगा नहीं, 5 है सीधे सीधे ऐड हो जाएगा। 25 35 कितना हो जाता है 60, और 45 105, और 15 120, और 50 170। तो करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 15 34, 34 आंसर आ रहा है, सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 में है कि हमें चाहिए एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 6। फर्स्ट 6 पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 6 क्या क्या होगा, जैसे 6 होगा, 12 होगा, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक 6 × 1 होगा, फिर 6 × 2 होगा, 6 × 3 होगा, 6 × 4, 6 × 5, फिर 6 × 6, यही होगा। लेकिन बात तो सही है, एवरेज निकालना है तो सबको ऐड करना है और फिर 6 से डिवाइड करना है। सबको ऐड करेंगे तो देखिए 6 तो कॉमन आ जाएगा पूरे में से, ठीक है। बचेगा क्या, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6, ये गया। 6 तक ऐड करेंगे तो 6 × 7/2 कितना आ गया 21। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ गया, 21, और ये आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। तो 2020 में एवरेज के इतने ही क्वेश्चन थे, उम्मीद है आपको ये सोल्यूशन पसंद आया होगा। अगर इससे कुछ फ़ायदा पहुंच रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और किसी भी तरह का कोई डाउट है, अगर ये डाउट कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है या किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ के वो भेज सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।